अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, व्यूअर्स मैं आज आपके साथ कद्दू का सालन बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। यकीन करें आज हम न्यू स्टाइल में तैयार करेंगे कद्दू का सालन, जो बहुत ही आसानी से बन जाता है और फ्लेवर में बहुत ही लाजवाब होगा। सुपर यम्मी, सुपर टेस्टी आज हम तैयार करेंगे कद्दू का सालन, जो झटपट तैयार हो जाएगा। चले बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में आपने हाफ कप तेल ऐड करना है। जैसे ही तेल गर्म होगा फिर आपने इसमें इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं। खास आज हम मसाले ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून आपने मेथी दाना ऐड करना है, हाफ टी स्पून आपने कलमंजी ऐड करनी है, हाफ टी स्पून आपने राई दाना ऐड करना है, हाफ टी स्पून आपने सौंफ ऐड करनी है, साथ एक अदद तेज़पात का पत्ता ऐड करना है। ये देखें, एक से दो मिनट कट कराना है। साथ ही आपने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करना है। देखिए मैंने पहले से जिंजर गार्लिक का पेस्ट पीस के रखा हुआ, अच्छे से ग्राइंड करके रखा हुआ। अक्सर मैं खानों में इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए कि किस तरह जिंजर गार्लिक का पेस्ट ग्राइंड करके महफूज किया जाता है, तो मैं उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट को जैसे ही हमारा थोड़ा सा कड़कड़ा जाएगा, फ्राई हो जाएगा, इसमें हम एक प्यूरी ऐड करेंगे। दो अदद मैंने टमाटर लिए हैं, लार्ज साइज का एक प्याज है, उसको हम ग्राइंडर में हाफ कप पानी ऐड करके अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। देखिए अचारी मसाले हमने ऐड किए हैं, थोड़ा सा हमने कड़कड़ा लिया है, साथ जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर दिया था 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट की। जैसे थोड़ी सी महक कच्चेपन की ख़त्म हो जाए फिर इसमें प्यूरी ऐड करेंगे। टमाटर मैंने लिए थे 2 अदद और प्याज था लार्ज साइज़ का, हाफ कप पानी ऐड करके अच्छे से हमने ग्राइंड कर लेना। ज़बरदस्त सी प्यूरी तैयार होगी, यकीन करें ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार होगी आज जो हम सालन बना रहे हैं, कद्दू का सालन। साथ ही हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून आपने सुरख मिर्च पीसी हुई ऐड करनी है, 1/2 टीस्पून आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है, बाकी स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1.5 टीस्पून आपने नमक ऐड करना है। व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखा करें ताकि आपको पूरी रेसिपी की अच्छी तरह से समझ आ सके। 1 टीस्पून आपने धनिया पाउडर ऐड करना है, 1 टीस्पून आपने साबुत जीरा ऐड करना है। अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें हम पानी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हमने प्यूरी में ऑलरेडी हाफ कप पानी ऐड किया। अच्छे से मिक्स करके मसाले को लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ हम कद्दू की कटिंग कर लेते हैं। आज हम अचारी कद्दू तैयार कर रहे हैं। 1/2 kg मैंने कद्दू लिए। यकीन करें सीज़न में जब भी कद्दू आए तो कद्दू का सालन ज़रूर बनाएं। इस तरीके से ये न्यू स्टाइल से आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये रेसिपी, और बहुत ही आसानी से बन जाता है। सबसे पहले हम छिलका रिमूव करेंगे। आगे पीछे से आपने डंडी पहले से उतारनी है, पीछे से भी काटना है, फिर पीलर की मदद से काट लेंगे। कद्दू को अक्सर हम गोश में पकाते हैं, कद्दू गोश का सालन बनाते हैं, कद्दू दाल बनाते हैं, लेकिन आज आप ये न्यू स्टाइल में अचारी कद्दू का सालन बनाएं। यकीन करें होटल स्टाइल जैसी खुशबू आएगी, जैसे होटलों में ये सालन मिलता है, और पूरे घर में खुशबू फैल जाएगी और घर वाले और बच्चे भी सभी आपसे पूछेंगे कि आज क्या पक रहा है। देखिए पीलर की मदद से हमने कटिंग कर ली। कद्दू को आप छुरी की मदद से भी छील सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं। कद्दू को जब भी आप छीलें तो पहले आप मसाला तैयार करें, क्योंकि कद्दू अक्सर जो है काटने के दौरान काला पड़ जाता है, उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, इसलिए पहले आप मसाला तैयार करें, ग्रेवी तैयार करें, और फौरी तौर पर कटिंग करने के बाद आपने मसाले में ऐड कर देना है। ये देखिए कटिंग हम कर रहे हैं, छिलका हमने रिमूव कर दिए, अच्छे से वॉश भी कर लिए। बारीक आपने कट करना है कद्दू को। कद्दू के बहुत से फ़ायदे हैं, स्पेशली ये तासीर में बहुत ठंडा है और सुनते नबवी भी है। हमारे नबी पाक बहुत ही शौक से खाया करते थे, और स्पेशली जो हमारे बुज़ुर्ग हजरात हैं वो भी कद्दू का सालन बड़े शौक से खाते हैं। देखिए कद्दू को इसी तरीके से आपने काटना है, बारीक आपने काटना है। देखिए दूसरी तरफ हमारी ग्रेवी ज़बरदस्त सी बन चुकी है। आपने इससे पहले इस तरह की ग्रेवी बनाना नहीं सीखी होगी। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी तरी भी आ चुकी है, सेपरेट हो चुका ऑयल भी, और अच्छे से बुनाई भी हो चुकी है इसकी। साथ ही हम कद्दू भी ऐड कर देंगे। अचारी मसालों का बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा कद्दू के सालन में। कद्दू ऐड करके 1 से 2 मिनट आपने थोड़ी सी भुनाई करनी है। जैसे थोड़ा सा ऑयल फिर से सेपरेट हो जाए, अच्छे से भुनाई करनी है सब्जी ऐड करने के बाद। देखिए अच्छे से मीडियम फ्लेम पर आपने भुनाई कर लेनी है।
ऑयल सेपरेट हो चुका हुआ। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आपने तकरीबन इसमें एक से डेढ़ गिलास आपने पानी ऐड करना है। इतना पानी ऐड करें ताकि जो कद्दू है हमारा जो है आसानी से गल जाए। ये देखिए एक से डेढ़ गिलास में मैंने पानी ऐड कर दिया। पहले अच्छे से भुनाई कर ली है। आप कुकर में भी बना सकते हैं। ये सालन बासानी बन जाता है, झटपट ये बन जाता है, मिनटों में तैयार हो जाता है। तकरीबन आधे घंटे में ये सालन पक के तैयार हो जाता है। पानी हमने ऐड कर दिया, अब लो फ्लेम पर पकने के लिए आपने रख देना है। मजीद आपने पानी नहीं ऐड कर देना। ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा अचारी कद्दू का सालन तैयार है। देखिए बहुत ज़बरदस्ती तरी भी आ चुकी, सेपरेट हो चुका ऑयल भी, और कद्दू भी हमारा ज़बरदस्त सा गल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है अच्छा सा। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो ज़्यादा पानी आप ऐड कर दें। कद्दू के सालन के ऊपर हम लास्ट में ऐड करेंगे हरी मिर्चें, साबुत 3 से 4 अदद हरा धनिया ऐड करेंगे। अचारी कद्दू के सालन को आप सर्व करें तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, आप चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। उसके साथ भी ज़बरदस्त ये कद्दू का सालन लगेगा। उम्मीद है आपको न्यू स्टाइल की ये रेसिपी पसंद आई होगी और उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। आप अपनी फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।